वो पाजी अभी आप स्टेज पे हो, गाना रिलीज हुआ है, एक आध दो लाइन नहीं होगी तो किसना क्या सोचना है लोगो का, दारू पी ले हो जलो का, संगीत बजता यो यो का, तो हिलती है पूरी नाव का, धरती पे पार्टी तो धरती हिल जाएगी, पानी पे पार्टी तो लहरें भी हैं, जो मैं ये नैया न पार लगाऊं तो निकोल घर कैसे जाएगी, रात से हो गया दिन, पीके वोड का कोला जे बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मछली चढ़ पे पानी बिन, तिनक तिनक धेन, तिनक तिनक धेन, मछली तड़पे पानी बिन, तिनक तिनक धेन। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, क्या बात है, की ब्लेसिंग, कीप लविंग। यो योहानी सिंह, नया गाना लोका, प्लीज फैला दीजिए, एक कोरोना वायरस के बाद ये लोका वायरस है, इसको फैला दीजिए। आप अभी रिहैब से आए हैं और उसके बाद ये जो गाना है इसमें, मैं रिहैब गया ही नहीं कभी, खबरें ऐसी थी कि आप, खबरें तो बहुत थी ना, ठीक है, हाँ, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया होगा अपने हेल्थ के लिए या जिस भी चीज़ों के, जिन भी चीज़ों के लिए, गाने की शुरुआत ही दारू से हो रही है, सो क्या आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं अपनी लाइफ? नहीं, मैं तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी आप पार्टी करते हैं तो अल्कोहल बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि हाँ लोग पार्टी करने जाते हो तो करते ही करते हैं। इनफैक्ट हमारी सरकार भी वाइन शॉप, लेकर शॉप खोल के देती है, जब वो बंद हो जाएंगे तो हम गाना में भी गाना बंद कर देंगे। हाय ओ, क्या बात है जी, क्या बात है, मतलब तीसरी बार भी बजा दो, मेरे को काम करने का इंटरेस्ट ही, मैं पूरा दिन वीडियो देख सकता हूँ। कैसा लगा आप लोगों का गाना? बहुत ही जबरदस्त, दो बार तो यही हम सबने देख लिया, हमारी आंखें पकड़ लो तो मिलियन व्यूज यहीं पे हो जाते हैं, और रात तक अगर मेरे को और दो चार मिलियन नहीं दिखे, आपके घर पर रिकी सिंह आएगा, आपके फोन से वीडियो देखना शुरू कर देगा, बाकी पंगा आपने लेना है जी। हाँ जी, हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि मैं यार इन्हें साल से ये सारे काम कर रहा हूँ, मुझे कपूरों के तो खानों के भी टाइम मिल जाते हैं, लेकिन यो यो हरी सिंह का टाइम कभी नहीं मिलता, तो यहाँ पे उनको बुलाने के पहले, मैं, मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, 270 मिलियन उसको हिट्स हैं, वो जो है उसकी चार लाइनें मैं गाने वाला हूँ, अगर आपको समझ में आए, याद आए, पसंद आए तो ज़रूर तारीफ करना। तो गाना कुछ ऐसा है, इरशाद ऐसा है कि भाई घर पे चलना है या चलेगी क्लब, मेरा मतलब घर के क्लब, तभी लूंगा मैं लेफ्ट या तो राइट, होटल में शोर होगा, घर पे होगी पिलो फाइट। गाना याद आया, गाना याद आया, ब्लू आईज, यस सर, व्हाट्स अप, बुलाना चाहूंगा मैं द वन एंड ओनली, द स्टार, द वन एंड ओनली, द गाय हु मेक्स ब्लिंग लुक फीका, क्योंकि उनमें खुद में इतना ब्लिंग है, हरी सिंह, यो यो हरी सिंह, बाजी 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 की गाल ले, हाँ रैप तो आपका ही है, वो मेरा वाला मैं भूल गया था, मैंने बादाम खाना बंद कर दिया तो। पाजी वेलकम है तुम्हारा, गाना हमने देखा, इतना चंगा लगा, पहले बताइए लोका, लोका का मतलब क्या होता है? लोका मतलब होता है क्रेजी गर्ल, और क्रेजी गर्ल, क्रेजी गर्ल, और लोको का मतलब होता है क्रेजी बॉय, सो पूरा गाना लड़कियों को डेडिकेटेड है, अच्छा, और लड़कों को भी डेडिकेटेड है, अच्छा, जैसे लड़के क्रेजी होते हैं लड़कियां ज्यादा क्रेजी होती है, आई हाय, सो वी मेड दिस लोका, बोलते हैं ना कि मतलब जिन पे प्यार आता है उनको हम हनी बोलते हैं, आप पहले से हनी हो, आप पे किसी को प्यार आता है वो आपको क्या बुलाता है? मुझे कोई प्यार, कोई आपसे प्यार करता तो वो आपको क्या बुलाता है? आप पहले से ही हनी हो, तो हनी हनी दो बार बोलते हैं, दो बार यो यो हनी सिंह, यो यो हनी सिंह बोलते हैं। अच्छा, मैंने सुना ये गाना आपने 2 घंटे में पूरा मतलब तैयार कर दिया था, ऑलमोस्ट जितने भी गाने होते हैं जो हम क्रैक करते हैं, बनाते हैं, हाँ जी, तो वो अगर वो 2-3 घंटे के अंदर बन जाते हैं तो इसका मतलब कि गाना क्रैक करने लायक है और अच्छा है। तो हम व्हेन वी ट्राई टू एक्सेल द एक्सीलेंसी, जब ज़्यादा टाइम लगाते नहीं, थोड़ा और देखते, थोड़ा वो गाने में इतना मज़ा नहीं होता, हाँ जी, जनरली जितने भी गाने जो भी मेरे हैं, ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, हाई हील्स, ये सब जी, जब 3-4 घंटे में बने गाने, वी जस्ट मेड लोका फ्रॉम बीट टू फिर लिरिक्स टू रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन 2 आवर्स। तो मतलब जितना टाइम हमें यहाँ से लोअर परेल जाने में लगता है, उतनी देर में सर एक सुपर हिट बना देते हैं, सर के लिए जोरदार तालियां जी। पाजी एक नंबर आर्टिस्ट ने, पाजी गाने के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि मतलब जब ये बना, आपकी टीम कैसे इकट्ठी हुई, कैसे वीडियो शूट किया आपने गुगु बोट पे, हाँ जी, वो मतलब चक्कर नहीं है आपको? एक्चुअली मेरे जितने भी गाने होते हैं कुछ नए होते हैं, कुछ वियर्ड होते हैं, तो मेरी ये सोचना है कि विदाउट विजुअल, वो मैं अगर गाने किसी को सुनाऊँ तो उनको कम ही समझ में आते हैं, तो मुझे विजुअल अपने गानों का रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रिसाइजली वही दिखाएं जो मेरा गाना कह रहा है। तो हमें तकरीबन 3 महीने लगे इसकी प्री प्रोडक्शन में, और मेरी सारी इन हाउस टीम है, बॉबी सूरी मैं क्रिएटिव डायरेक्टर, मिहिर गुलाटी, और बाकी हम लोग एडिटिंग वगैरह भी सब खुद ही करते हैं। सो दिस वीडियो टुक अस 4 मंथ्स,
कि आपके सामने लेकर आने में बहुत मेहनत लगी है इसको, और हमने दुबई में शूट किया इसको। मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो ऑलरेडी दुबई में शूट कर चुका हूँ, लेकिन हमने कोशिश करी है कि वो दुबई दिखाएं जो किसी और ने अभी तक नहीं दिखाया। सो वी जस्ट मेड दिस वीडियो। हाँ जी, तो मतलब आपको भी एक इनर इंकलिंग होती होगी कि ये गाने के मतलब मेरे मिनिमम इतने हिट्स तो होने वाले हैं, अंदर से पता चल जाता है कि ये वाले में तो मैंने फाड़ दिया। हिट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे मम्मी डैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बड़ा कहते हैं तेरे अच्छे मिलियन हो रहे हैं, वो मिलियन, लेकिन मेरे को है कि लोगों तक पहुँच जाए गाना प्रॉपरली, जो टी सीरीज बेस्ट है इन द वर्ल्ड, कि आपके गाने को रीच दे देते हैं, बाकी गाने की किस्मत है वो क्या करेगा क्या नहीं। और जी, आपका स्टाइल भी बड़ा वखरा है, एकदम स्वैग भी मतलब एकदम चंगा है, मेरा तो ये सब लोखंड वाला का है, आपका ब्लिंग कहाँ से आता है? ये भी ब्लिंग नहीं है, सिंपल है। अच्छा, नहीं मेरे वाले का खाता चलता है इधर, मेरे को कभी आपको हेल्प करनी हो तो मैं कभी भी भाग के ले आऊँगा आपके लिए। वैसे आपके साथ गाने में और भी बहुत बहुत ज़बरदस्त जो नाचे हैं उनके बारे में बताइए, निकी के बारे में इनको भी कास्ट करने में हम लोगों को 1 महीना लगा था। अच्छा जी, 1 महीना लग गया? मैंने आपको 1 महीने बाद हमने इनको ढूंढा, मतलब मैंने आपको इमीजिएटली चुन लिया, मम्मी को बता दिया है कि मतलब लड़की भी मांग लेके, मतलब मैंने अपना बता दिया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस योयो के साथ? अमेजिंग, इट वाज सरियल। वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस वीडियो, डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांस, बट एवरीवन मेड इट रियली गुड। बॉबी एंड साहिल एंड महीर एंड योयो एंड एवरीवन वाज जस्ट रियली रियली स्वीट। एंड इन्होंने हार्ड वर्क बहुत किया है, इन्होंने पूरा सीक्वेंस मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में सीखा थ्रू आउट, और सेट पे भी इतना कुछ था, बहुत सारा झमेला था, बहुत सारे डांसर्स थे, इवन दो उसके बावजूद भी ये बहुत स्टैंड आउट करा इन्होंने, इन्होंने डांस एन अमेजिंग टाइम। या हां जी, आप लोगों का वो सीवी इतना ब्लू ब्लू लग रहा है, बिल्कुल मतलब फिल्टर विल्टर ब्लू है, पानी ब्लू, तो पानी ब्लू ही होता है, मैं बस उसी पे आ रहा था। अच्छा, वैसे मेरे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं यहां पर जो जरूर योयो से कुछ पूछना चाहेंगे। योयो इज हियर इन द हाउस। कौन जी कौन पहले आएंगे? मैंने ग्लैड्स पहने ना, जरा हाथ दोनों ऊपर करना। लेकिन अच्छा जी, इन्हें एक माइक देंगे कोई, वैसे पूछ लीजिए। हेलो हनी, हनी सर, बैक टू बैक आपके हमेशा गाने हिट रहे हैं, और ये भी आज लॉन्च हुआ है और 3.2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर आप? बस ये लोगों का प्यार है, जो लोगों को समझ में आता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीने बाद एक गाना दे रहे हैं या 7 महीने बाद एक गाना दे रहे हैं, फाइनली लोग उसको प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लुक की बात करें, लुक भी काफी डिफरेंट है सॉन्ग में इसमें ना। हाँ, इसमें कोशिश ये करी, अब इन्होंने भी मेरा भी अभी मजाक बनाया कि मैं बेदिंग रोब पहन के खड़ा हो जाता हूँ वीडियो में। सो कुछ ऐसा था जो बाकी लोग नहीं कर रहे, या जो मुझे लगता है कंफर्टेबल है, भले वो बेदिंग रोब हो भले वो स्लीपिंग रोब हो, तो मैं तो यही पहन के डांस करूँगा, इसी तरह वीडियो करूँगा। सो इट्स समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, करते रहने की कोशिश, नहीं तो भीड़ में खो जाता है बंदा। Can you hear me? Yeah. Hi, this is Sakshi from E24. जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई आपके बारे में, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड या दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड योर हैंड जेस्चर्स इन योर वीडियो शो केस दैट लाइक दिस साइन एंड दिस साइन एंड देन इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर आप कुछ भी चीज़ को बोलते हैं कैसी है, फंटास्टिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली थ्योरी यही थी कि बिकॉज कोई थ्योरी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पाजी गाने बनाने में बिजी हैं, वो थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हैं। आपको गाने के बारे में ज़रूर पूछे, बड़ा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं, इतना चंगा वीडियो है, तो ज़रूर मैं अपनी मीडिया फ्रेंड्स को थोड़ी सा गुजारिश करूँगा थोड़े गाने पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बाकी पाजी की लुक तो हमेशा हिट है। हनी, आप अभी रिहैब से आए हैं और उसके बाद ये जो गाना है इसमें मैं रिहैब गया ही नहीं कभी, खबरें ऐसी थी कि आप, खबरें तो बहुत थी ना, ठीक है। हाँ, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया होगा अपने हेल्थ के लिए या जिन भी चीज़ों के लिए, गाने की शुरुआत ही दारू से हो रही है, सो क्या आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हैं अपनी लाइफ? नहीं, मैं तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी आप पार्टी करते हैं तो अल्कोहल बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि हाँ लोग पार्टी करने जाते हो तो करते ही करते हैं। इनफैक्ट हमारी सरकार भी वाइन शॉप लेकर शॉप खोल के देती है, जब वो बंद हो जाएंगे तो हम गाना में भी गाना बंद कर देंगे। हाय, ओ सो हनी, सबसे पहले तो यू नो मुंबई से काफ़ी कटे कटे से नज़र आए हैं कुछ लंबे समय से, कुछ वक्त से, कोई खास वजह रही इसकी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली तो मैं रहता भी दिल्ली में हूँ, तो बॉम्बे आते हैं मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पे आते हैं काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, तकरीबन 2-3 साल से मैं बहुत सारे गाने बना रहा था, और तकरीबन 38 सॉन्ग्स मैंने टी श्रीभूषण जी को पिछले महीने दिए, और कहा कि इसका कुछ करते हैं,
तो इतना वक्त इसी में लगा कि बहुत गाने बन रहे थे और मेरे गाने को शूट करने के लिए टाइम बहुत चले जाता है, तो साल में 2 या 3 गाने आ पा रहे हैं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स हैं, हम बहुत सारे गाने इकट्ठे शूट कर रहे हैं अभी और जल्दी 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 गाने आएंगे। इसके अलावा यू नो लिरिक्स पे कितना ध्यान देने लग गए हैं अब, क्योंकि यू नो थोड़े बहुत कभी कभी फंस जाते हैं लिरिक्स की वजह से आप, तो अब थोड़ा लिरिक्स पर ध्यान देना सीख लिया है या देने लग गए हैं ध्यान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना समय में आता ठीक है, लेकिन अगर कोई सजेस्ट करता है कि थोड़ा ईजी कर दो लिरिक्स को तो ईजी कर देते हैं। ओके हनी, मुंबई की इतनी गर्मी में आपने जो कैप पहनी है वो स्टाइल के लिए या कोई और रीजन? स्टाइल, सब कुछ स्टाइल है। देखो ये टाई एंड डाई वाली पहले चुनिया होती थी, मैंने वैसे डेनिम बनवाया है, सब स्टाइल है, उल्टा वेट करने का मजा ही कुछ और है। सो ये आपका द कैप गोज विद द पैंट्स? यस। हनी, भले ही आपने रैप की शुरुआत की हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बाद बहुत सारे रैपर्स आए हैं, आपका करंटली फेवरेट कौन है? देयर इज अ क्रेजी गाय, लोको गाय, हिज नेम इज एमवी वनटाई, he is crazy, he is just amazing. अच्छा एक बात हो रहा है कि मैंने रैप की शुरुआत नहीं करी थी, मुझसे भी कई सालों पहले बाबा सैकल जी को सुना हमने, एक वो स्टाइल भाई थे अगर किसी को याद होना हो, और उसके बाद शंकर माधवन जी ने भी ब्रेथलेस गाना गाया था, अपाची इंडियन, तो इन लोगों ने पहले ही बहुत अच्छे से शुरुआत कर ली थी, मैंने सिर्फ ये कोशिश करी थोड़ा कमर्शली रैप को करूँ, नॉट रैप ना लगे, लेकिन अब बहुत अच्छा इम्प्रूव कर गया हिप हॉप रैप, फिल्मों में एक्सेप्ट किया जा रहा है स्ट्रिक्ट रैप भी, और जिनमें से जो गली बॉय मूवी थी उनमें से विवान का रैप बहुत पसंद किया गया, हालांकि वो कमर्शियल नहीं था तब भी, तो बहुत अच्छा स्कोप खुल गया और सारे लड़के बहुत कमाल काम कर रहे हैं। माय फेवरेट इज एमवे। हनी हाय, नहीं हाय यार, वेल जब भी कोई सॉन्ग शूट करना होता है आपका, तो स्टाइल हो, लोकेशन हो, सारी चीज़ें एग्जॉटिक होती है, इसमें आपका कितना इनपुट, कितने इनपुट्स रहते हैं ये जानना चाहिए? लकीली मेरी टीम बहुत कमाल है, मेरी टीम में बॉबी इज़ माय मैनेजर, मिहिर इज़ माय क्रिएटिव डायरेक्टर, सिस्टर मेरी काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करती है मुझे, मेरी वाइफ स्टाइलिंग पर बहुत ध्यान देती है, तो मेरे पास स्टाइलिस्ट भी हैं काफ़ी सारे, और बेसिकली क्या होता है जब गाना हम बना लेते हैं एक ऑडियो, तो एक विजुलाइज हो जाता है कि हमने इसको इस तरह शूट करना है, तो यही ऑप्शन है कंट्रीज़ के, यही ऑप्शन है क्लोथिंग वाइब के, यही ऑप्शन है क्रिएटिव्स के, तो वो हम सॉर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अच्छा बन जाए वीडियो किसी तरह, तो टीम का बहुत बड़ा हाथ है, मैं तो सिर्फ पिक एंड चूज़ करता हूँ। और जब भी हम हनी सिंह के बारे में सोचते हैं पहली इमेज जो आती है दैट इज़ ब्लिंग, और आज जब हम आपको लॉन्च पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यू नो विद दैट ब्लिंग, बट इज़ दिस द रियल यू? इट ऑलवेज दैट्स ऑल रियल ऑफ मी, बट थोड़ा सा फैशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं स्ट्रीट वेयर पहन रहा हूँ अब, वो ब्लिंग ब्लिंग सिर्फ विजुअल, बड़े विजुअल के लिए अच्छा है, यॉट पे खड़ा तो अच्छा है, अभी गाड़ी में आओगे तो ब्लिंक को ले जाएगा उठा के, सो इट्स बेटर टू गो लोको। ये मैं चलाऊँ ये सब पहन के इस रोड पे, मतलब लोग आके आपको भगाना शुरू कर देते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ट्राई आपने नहीं करना, उन पर अच्छा लगता है हम पे नहीं, मतलब पाजी कर लेंगे तो हिट कर देंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन में लूंगा अगर मीडिया के कोई हैं तो। हनी, आपसे सवाल है, जब आपने सबैटिकल लिया था और उसके बाद जब आप आए, तो सबैटिकल के टाइम पर आपको लगा कि बिकॉज आप इतने बाहर नहीं जा रहे, यू नॉट आउट देयर, डिड यू एवर फियर कि इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, एंड डिड योर फाइनेंस गेट अफेक्टेड बाई एनी चांस? फाइनेंस तो देखो मैम जिंदगी का मकसद कभी रखा ही नहीं, जब यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू करें यहाँ पहुँचे, किसी वजह से ब्रेक लग गई, तो अगर दोबारा भी शुरुआत हो रही है तो यहाँ से हो रही है और यहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो कभी ऐसा नहीं मेरे को लगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, वो पाजी अभी आप स्टेज पे हो, गाना रिलीज हुआ है, एक आध दो लाइन नहीं होगी तो किस तरह क्या सोचना है लोगो का, दारू पी ले हो जलो का, संगीत पछता यो यो का, तो हिलती है पूरी नाव का, धरती पे पार्टी तो धरती हिल जाएगी, पानी पे पार्टी तो लहरें भी हैं, जो मैं ये नैया न पार लगाऊं तो निकोल घर कैसे जाएगी, रात से हो गया दिन, पी के वोड का कोला जिन, बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मथली चढ़ पे पानी बिन, तिनक तिनक धिन, तिनक तिनक धिन, मछली तड़पे पानी बिन, तिनक तिनक धिन। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, क्या बात है, कीप ब्लेसिंग, कीप लविंग, यो यो हनी सिंह, नया गाना लोका प्लीज फैला दीजिए, एक कोरोना वायरस के बाद ये लोको लोका वायरस है, इसको फैला दीजिए।